अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद छात्राओं के साथ गलत हरकत करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला खटीमा के झनकट का है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया कि आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष सिंह राणा ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि विद्यालय में नियुक्त अंग्रेजी विषय के शिक्षक नसीम अहमद द्वारा विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी थी। 24 घंटे के अंदर ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। महिलाओं एवं बच्चियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें गठित की, तो हमारी जो पुलिस टीम है उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर इसको गिरफ्तार कर दिया गया और आज इसको मान्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यही हमारे उत्तराखंड सरकार, हमारे डीजी सर और आईजी सर, एसएसपी सर, एसपी सर सभी के बिल्कुल हमको भी और सारे थानों को स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि महिला सुरक्षा से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी महिला सुरक्षा में चूक हो रही है कहीं पे भी, तो हम तुरंत इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी पे लेके उस पर सबसे पहले उस पर कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।